मतलब आपके मम्मी के और पापा की लव मैरिज है क्या? हाँ लव मैरिज है। नहीं नहीं सच बताओ पापा, मेरी यूट्यूब इनकम आ गई होगी और बहुत लोगों के मुझे फोन भी आए थे, बल बधाई हो, बोले तेरी पेमेंट आ गई। धन्यवाद बोली मौसमी के लिए। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी मौसमी हो रखी है, पता नहीं चारों को क्या हो रहा है, हमारे घर में पता नहीं क्या चल रहा है। वो सही बात है, मैं इतनी किसान नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हो। जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3:30 बजे से, और आज भी मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ व्लॉग। बाकी अभी टाइम 3:30 हो रहे हैं, और मौसम की बात करी जाए तो आजकल डेली कड़क धूप रह रही है, और बहुत अच्छी बात है कि बारिश अभी नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी मम्मी लोग अभी छन्नी में जा रहे हैं और मुझे जाना है नीचे ताई जी उनके घर में, तो अब वहाँ चलते हैं। तो अभी मुझे जाना है नीचे ताई जी उनके घर में। तो कल पापा राशन लाए थे ताऊ जी की गाड़ी में, तो रात हो गई थी और दो थैले थे, तो एक थैला तो उस टाइम ले आए थे और एक अभी यहीं पे है। तो मैंने बोला अभी मैं ले आती हूँ ताई जी उनके घर से। ताई जी उनकी तो आवाज़ भी नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है, होंगे घर में तो ठीक है, नहीं तो मेरी भज्जती हो जाएगी। ओ बॉडी 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 फोन देखने में मस्त। ओ बॉय तुम फोन देखना मस्त आज है, तुम तो थैला गाणो जो हमार थैला थैला। और बाकी ताई जी उनकी भगवान में देखो यहाँ क्यारियों में। अब तुम लीला शेड डाल लियो है ना, पहले तिरल जा। तो कितने अच्छे अच्छे फूल हो रखे हैं यहाँ पे ना, ना अभी अभी ना अभी खुम लगाना, नाम तो मुझे एक भी फूल का पता नहीं है। ये को क्या बोलती बोड़ी, ये को सदाबहार जो, और पहले बोलो पहले वो पता नहीं मुझे नहीं वो फूल। और बाकी बीच में तुलसी है, गुलाबी जो है बढ़िया छोटे छोटे है। तो देखो क्यारियों में कितने अच्छे अच्छे गुलाब हो रखे, इनको देखो कितने छोटे हैं। अच्छा तिरल पाल पड़ रहा नहीं, ये वाले गुलाब कितने अच्छे हो रखे, तो इनका मुझे पता है गुलाब, बाकी और किसी का नाम मुझे पता नहीं। और ये स्ट्रॉबेरी के हैं, तो इस पर अभी लगे नहीं है, आजकल बस खिल रखा है थोड़ा बहुत। इतने सारे फूल है, मतलब 8-9 प्रकार के फूल होंगे यहाँ पे, और बाकी कुछ फूल उधर भी है, ये पिंक पिंक सब। अरे वाले देखो कितने छोटे छोटे हो रखे। तो यहाँ पे ताई जी मुझे मौसमी दे दी, तो चलो यहाँ आके कुछ फायदा हो गया। धन्यवाद बोली मौसमी के लिए है, मैंने बांदरों की चौकदारी तो नहीं की पर मौसमी मिल गई मुझे। बांदर तो रोई लगे जानी। तो ये रही मौसमी, इतनी मौसमी मिली। बाकी मौसमी का पेड़ तो नीचे है, लेकिन बंदरों ने पेड़ की दुर्दशा कर दी है, तो इसलिए उन्हें जल्दी ही तोड़ना पड़ा। बाकी और भी है उस पर, लेकिन बंदर अब कुछ नहीं रखेंगे। तो उधर है मौसमी का पेड़, अभी फूल ही लग दी ना बोड़ी लाल वाला, मैं ध्यान भाई इन चट ना इन चमकंदी सी धो के लाल सी ना इन चमक दी होगी कि बॉडी उनकी मूंग दी देखो छोटे छोटे मुंगरी बड़े बीच है बीज तो ठीक ही लगना, इसके अंदर मुंगरी रखी है ताई जी उन्होंने। बांदरू है जैसे सब कुछ खत्म खत्म ही होगा। तो ये देखो ये मुंगरी भी रखी है यहाँ पे कम छम थैला। तो ये रहा राशन का थैला, उसे भी मैं घर में ले आई, और बाकी ये रही मौसमी। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी मौसमी हो रखी है, और इतनी सारी मौसमी दे रखी है ताई ने मुझे। तो अब इन सबको छोड़ते और सीधा छन्नी में चलते हैं, छन्नी में अभी खूम लगाना है, और स्वेटर घर में ही रख जाते हैं क्योंकि वहाँ ले जाके स्वेटर का कुछ फायदा नहीं है, उल्टे कुमर बैठेंगे इस पे और फिर कुमर ही निकालते रहेंगे। तो इसको खोलते हैं और फिर छन्नी में चलते हैं। तो इस पे लगाना है मुझे खुम, और बाकी इस घास को ला के हमें 2-3 दिन हो गए, और उस दिन से खुमने लगा, आज लगाएंगे है माता श्री। और अब ठीक है आपका पैर थोड़ा थोड़ा नहीं उड़ा ले, तो आज यही कारण है मैंने सुबह से इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से माँ के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। और फिर ऐसा ही हो जाता है जब घर में ऐसे किसी की तबीयत वगैरह खराब होती है, तो फिर फोन चलाने का तो मन नहीं करता, तो इस वजह से मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही व्लॉग। तो अब माँ का पैर सुबह से मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, और तब जाके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया।
बाकी पापा से पूछते हैं, पापा आप क्यों नहीं लगा रहे फोन? मेरे कमर में हाथ दर्द हो रहा है। हैं? तेरी मम्मी ने मेरे सिर में जो है पिंडे का तौला रख दिया। अच्छा, सवेरे सवेरे बोला इसको रख के आओ। हाँ? मैंने उसको उठाया तो मेरी कमर में जो है झटका लग गया। अच्छा, तो कमर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो आपके हिस्से का छूट रखा था बीमार होना, वो हो गया तो पूरा करना ही है। वही तो घर में होना ही चाहिए, है ना, सबको बराबर परंपरा चलनी चाहिए। तो सबसे पहले घर में दादी हुई थी बीमार, फिर उसके बाद माँ के पैरों में दर्द, और उन दोनों का तो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। बाकी उसके बाद मेरे आँख में दर्द, मतलब आँख में दर्द गया, अंगार ने खा लिया था, और अब लास्ट में पापा छूट रखे थे, जो पापा बिल्कुल ठीक थे, अब आज से पापा की कमर में भी दर्द होने लग गया। तो पता नहीं चारों को क्या हो रहा है, हमारे घर में पता नहीं क्या चल रहा है, एक से एक बीमार हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं, बाकी बीमार होके सब ठीक हो जाए तो तब बीमारी का उतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब पहले खुम लगाते हैं और फिर आगे की वीडियो तब बनाते हैं। तो ऐसा खुम लगाया मैंने, और ये आज पहली बार अलग खुम लगाया, नहीं तो हमारे थोड़े ऐसे गोल गोल खुम होते हैं, लेकिन ये वाला लंबा लग गया क्योंकि ये घास छोटा छोटा था। तो ये राय है क्या लगे दिन क्या, तो दूसरे खुम लगने की भी तैयारी हो रही है, तो बोले इस पे दूसरा खुम भी लगा दे। तो ये वाला अभी लगाया और अब इतना घास रह गया, तो चला था। तो फाइनली हमारा दूसरा खुम भी लग गया, तो ये वाला खुम मैंने अभी लगाया और ये पहले लगाया, तो दोनों की शक्ल अलग अलग हो रखी है, लेकिन ये पहले वाले से बड़ा लगा है। ऐसे खुम लगते हैं हमारे बड़े बड़े, लेकिन यार थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन मुझे सही लग रहा है क्योंकि बल ऐसे खुम मतलब ऐसी घास खराब नहीं होती बाद में। और ये रहा हमारा दूसरा खुम, तो ये तो बड़ा सही लग रहा है, और बाकी और भी घास इतना रह गया। तो हमने तो केवल ऐसा सोचा था कि एक खुम घास हो रखा है, लेकिन यहाँ पे दो खुम पूरे लग गए और थोड़ा बहुत घास और बच गया, तो ढाई खुम। और अब कल और घास लाएंगे, देखते हैं कल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल तीसरा खुम भी हो ही जाएगा। और आप मेरी माँ तो बोलती है बोला बल घास का बिल्कुल नहीं दिखाना, लोग बोलेंगे बल हम उतने टाइम से घास ही काट रहे हैं। तो वैसे तो एक महीने में कट जाना था पूरा घास, लेकिन बीमारों की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया, फिर कभी किसी दिन भागवत में किसी दिन कहीं ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत लेट हो ही गया। तो अब हमारे गाँव में कुछ टाइम बाद शादी है, तो मैं बोलूँ शादी तक फाइनल हो जाए बस। तो घास तो वैसे भी काटना ही है, एक एक मतलब एक एक बिटगी तो लानी लानी, लेकिन बस ऐसा खुम लगाने वाला सिस्टम खत्म हो जाए। तो वैसे टोटल अभी हमारे 17 खुम लग गए, तो 17 खुम पूरे लग गए, और शायद एक तो लगेगा ही अभी, और एक का तो पक्का है, दूसरा थोड़ा घास पात वैसा जो मतलब छन्नी वगैरह में फैला रखा है उसको लगा के मतलब 19 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी 17 खुम लग गए हमारे, है ना माँ? माँ बोलियो बस बताया नहीं कर, पर तू बोली इतनी किसान है नहीं जितना तुझे लोग बताते, तो सही बात है, मैं इतनी किसान नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हो, है ना। तो चले अब, तो अब हम फिर से कुमेबटा जा रहे हैं, टाइम तो होने वाला है, लेकिन वहाँ सूखा घास है, थोड़ा थोड़ा उसे ले आएंगे। माँ के पैरों में तो दर्द है, मैं तो मना कर रही हूँ कि मत, पर लेकिन मानती कहाँ आएगी, थोड़ा बहुत लाएगी ज्यादा नहीं, बाकी मुझे तो लाना ही है पूरा। तो चलो अच्छा, यहाँ पे दादी और ताई जी, ठीक है दादी, थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रहा है, और अब हम घास लेके भी आ गए और छन्नी से भी आ गए, तो मैंने वहाँ घास की कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल शाम को भी वही बनाई थी और आज शाम को फिर वही क्या बनाना था, और रेसिपी पहले से भी मैं घास घास से दिखा ली थी, तो सीधा घर में आके बना रही हूँ। और बाकी अभी आ रहे हैं हम छन्नी से, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और हमारे आने तक यहाँ पे सब्जी बनने की तैयारी हो गई, तो पापा जी बना रहे हैं सब्जी और पूछते हैं आज किस चीज की सब्जी बन रही है। तो फली क्या फली फली बोल दी उन्हें फली नहीं है वो दादी छीमी अच्छा छीमी बन रही है छीमी करेला मुझे तो उसमें कुछ और दिख रहा है मम्मी वो इधर लाना जरा करेला करेला पहाड़ के करेला तो सब्जी बन रही है मीठे करेले गांव के करेले है ना ऐसे करेले शहरों में नहीं मिलते ना अब तो मिलने लग गए वैसे घर से जा रहे ना
बाकी करेलो की सब्जी बन रही है और ये घर के मीठे करेले और साथ में उनका छीमी वगैरह भी मिक्स है, तो इसकी सब्जी बना रहे हैं पिताश्री। और आज एक स्पेशल कमेंट आया था, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, और वैसे आप लोग सवाल कम ही पूछते हो, तो मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत सारे सवाल पूछो और तब मैं एक दिन उनका अच्छे से आंसर दूँ। तो आज एक सवाल आया था जो मतलब पहली बार किसी ने पूछा था, तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगी, उसके जवाब मेरे पापा देंगे, तो पापा से पूछते हैं। बाकी उनके ये सवाल भी देखिए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बाकी और भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे एक भैया ने, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे आज, और शायद वो आज ही से मेरे सब्सक्राइबर बने थे क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम उनका कमेंट देखा था। लेकिन जो कमेंट आज मुझे सबसे डिफरेंट लगा उसका जवाब जरूर देंगे, तो पापा से पूछते। तो पापा एक कमेंट आया था आज, मतलब आपके मम्मी की और पापा की लव मैरिज है क्या? हाँ लव मैरिज है। नहीं नहीं सच बताओ पापा। हाँ। नहीं माता मुझे बाद में हल्ला करेंगी ना। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। हाँ। तो पापा देखने गए थे बस मम्मी को एक दिन। हाँ, देखने गए थे। हाँ। पहले भी रह चुका हूँ मैं ससुराल में। अच्छा। तब कोई बात नहीं थी, लेकिन रहा मैं 5-6 महीने वहाँ रहा, मतलब शादी से पहले अपने ससुराल में रह चुके हैं पापा। तो एक भैया ने पूछा था कि भला आपके मम्मी की और पापा की लव मैरिज है, तो उसका जवाब मेरे पापा ने दे दिया। बाकी मेरे पापा बहुत मजाकिया हैं, तो पहले मेरे पापा मजाक करते और ये मम्मी बार बार अंधेरा कर रही है मेरे फेस में। तो लव मैरिज ऐसा नहीं, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन मेरे पापा मतलब ठेकेदारी ना पाओ, तो मेरे पापा ऐसे नेपालियों के साथ ठेकेदार का काम करते थे पहले। तो तब मेरे पापा मतलब मेरी नानी के गांव बहुत पहले से रहते थे, तब तक मतलब मेरी मम्मी के साथ ऐसी कोई बातचीत वगैरह नहीं थी ना, ऐसा फिक्स था कि रिश्ता होगा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी नानी के गांव शादी से पहले रह चुके हैं मेरे पापा, बाकी लव मैरिज वगैरह नहीं थी। और आपको और कुछ भी ऐसे मेरी फैमिली के बारे में या मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और एक दिन आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और आज बहुत लोगों को गलत फहमी भी हुई थी कि मेरी YouTube इनकम आ गई, शायद लोगों को ऐसा लगा था, और वैसे थंबनेल देख के लग भी सकता है ऐसा कि मेरी YouTube इनकम आ गई होगी। और बहुत लोगों के मुझे फोन भी आए थे, बल बधाई हो बोले तेरी पेमेंट आ गई, और तब मैंने उनको सबको बोला था कि पहले पूरी वीडियो देखो और तब पता चले। और मतलब अब इतनी लोगों को खुशी थी कि उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज और फोन किया था जब मैंने सबको बोला कि पूरा वीडियो देखो, तब उनको समझ आया कि वो मेरी पेमेंट नहीं है, वो मतलब मिर्ची के पैसे हैं। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों की दुआ चाहिए और बाकी माँ भगवती का आशीर्वाद चाहिए कि बहुत जल्दी मेरी पेमेंट आए। तो पापा को और बहुत लोगों ने बोला कि तुम सबने वाले ऐसी ऐसी मिर्च बेची इतना इतना रेट को बताओ। अच्छा तो चाचा का फोन आया था बल पापा के लिए कि सबकी ऐसी ऐसी रेट में मिर्च गई, और बाकी लोगों को गलत फहमी तो हुई थी कि मेरी YouTube इनकम आ गई। तो बस आप लोग माँ भगवती से दुआ करना कि बहुत जल्दी ऐसा दिन आए कि जिस दिन मैं अपनी YouTube इनकम आप लोगों को बता सकूं और अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकूं ये बातें। बाकी आज का यही ब्लॉग है, और जो जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। और एक बार फिर से बोल देती हूँ कि आपको जो पूछना है आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और मैं एक दिन पूरे सवालों का आंसर दूंगी और सारी चीजें बताऊंगी अपने बारे में भी और अपनी फैमिली के बारे में। इससे पहले आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।